वेलकम फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल सीरिया में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि इलाहाबाद बैंक का स्विफ्ट कोड किस तरह से निकालना है। अगर आप एक नया यूट्यूबर है तो आपको देखना जरूरी है। तो चलिए पहले क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सर्च करना है इलाहाबाद बैंक स्विफ्ट कोड, यहाँ पर ये वाला, तो सर्च कर देते हैं। चलिए, सर्च करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे वेबसाइट आ जाएगा, उनमें से आपको ये वाला जो है, ये इसको सर्च करना है। तो आपको देखने के लिए एक नया पेज ओपन हो जाएगा इस तरह का। तो यहाँ पर आपको जैसे इंडिया और इलाहाबाद बैंक दोनों सिलेक्ट किया हुआ होगा, और आपको सिलेक्ट करना है स्टेट और सिटी और ब्रांच, ये तीनों आपको सिलेक्ट करना है। तो चलिए मैं सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ एग्जांपल के लिए। तो मान लीजिए फ्रेंड्स, आपको भी इसी तरह से सिलेक्ट करना है, तो मैं सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ किस तरह से सिलेक्ट करना है। जैसे मैं वेस्ट बंगाल सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसी प्रकार आप भी आपका जो स्टेट होगा बैंक का, उस स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। इसी प्रकार आपको पूरा सिलेक्ट करना है। तो चलिए मैं पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ एक बार। तो फ्रेंड्स, लास्ट में आपको ब्रांच सिलेक्ट करना है। जैसे ही ब्रांच सिलेक्ट कर लीजिएगा तो आपको स्विफ्ट कोड मिल जाएगा। तो आपको भी इसी तरह से स्विफ्ट कोड निकालना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार के लिए विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने जैसे ब्रांच सिलेक्ट कर लिए तो मुझे एक स्विफ्ट कोड मिल चुका है, देखिए ये वाला। ये रहा स्विफ्ट कोड।